नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। आज जिस बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है आदेश पाल। आदेश पाल अगर आप ऐसे समझें तो बहुत सारे विभागों में आदेश पाल की नियुक्ति होती है, लेकिन आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है फ्रेंड्स हाई कोर्ट या कोर्ट सिविल कोर्ट के में जो आदेश पाल नियुक्त किए जाते हैं उसके बारे में बताना है आपको। पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, अनुसेवक, जैसे कि पटना हाई कोर्ट में अनुसेवक के पद निकाले गए थे और साथ में ही आदेश पाल के भी निकाले गए थे, बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अनुसेवक के क्या कार्य होते हैं, अनुसेवक मतलब प्यून के क्या कार्य होते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आज जिस बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है आदेश पाल, क्योंकि दोनों वैकेंसी साथ निकाली गई थी। आदेश पाल का क्या काम होता है इसका मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल तो आपको नहीं बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, और क्या सैलरी इनको मिल जाएगी वो आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट अच्छे तरीके से बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कभी आपने जज के गाड़ी में देखा होगा, या फिर कोई अब न्यायालय के अंदर गया होगा तो वहाँ देखा होगा, या फिर आपने फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैक्सिमम लोग हैं कि वो कोर्ट के अंदर नहीं गए हुए होते हैं, जिनको जिनके ऊपर केस हुआ होता है, किसी मुकदमे में फंसे होते हैं, वही लोग अक्सर जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो ड्रेस कोड आपने देखा है यही फ्रेंड्स वो ड्रेस कोड है जो आपको आदेश पाल जब आप कोर्ट के अंदर नियुक्त किए जाते हैं तो यही ड्रेस कोड आपको वहाँ पे पहनना पड़ेगा, यानी कि वाइट पोशाक होता है और साथ में एक पट्टा बेल्ट का होता है ये वाला, तो आपको ये मिलेगा। अब आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि जैसा मैं पहले बता दिया कि इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स ऑर्डरली बोलते हैं और हिंदी में आदेश पाल। तो अगर बात करें कि आदेश पाल तो जितने सारी बहुत सारे विभागों में, स्वास्थ्य विभाग हो गया, तो अलग अलग विभागों में अलग अलग आदेश पाल की नियुक्ति होती है, डिपेंड करता है वो। तो जैसे कि दूसरे विभागों में बात करें फ्रेंड्स, कोई बड़े पदाधिकारी हो गए, अधिकारी हो गए, उनके साथ असिस्टेंट का काम करना पड़ता है, उनके साथ जाना पड़ता है, उनकी पूरी हेल्प करनी पड़ती है, फाइल उठाना पड़ता है, जो भी कागजात वो दे रहे हैं संभाल के रखना पड़ता है, तो ये काम होता है। और अगर हाई कोर्ट की बात कर लें आदेश पाल की फ्रेंड्स, तो आपने जैसे सुना होगा कि जज के बगल में ये अक्सर आपको खड़े हुए नज़र आ जाते होंगे, फिल्मों के माध्यम से आपने देखा होगा। तो इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि कोर्ट स्टार्ट होने वाला होता है, सुनवाई शुरू होने वाली होती है, उससे पहले ये वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वहाँ पे थोड़ा जो व्यवस्था करके रखना पड़ता है जज के लिए, वो सारे सामान को ये सही से व्यवस्थित कर देते हैं कि जब जज साहब आएँ तो उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और जब जज साहब आ जाते हैं तो जो भी ऑर्डर करते हैं कि ये यहाँ पे लेके आओ, वो वहाँ से दो, जैसे कि कोई वकील की तरफ से कुछ चीज़ें आपको पेश करनी हो तो यही आदेश पाल को लेके वहाँ जाना पड़ता है जज साहब के पास, तो ये उनका काम होता है, यानी कि एक प्रकार से असिस्टेंट का ये काम करते हैं। अगर आप ये ऐसा समझें कि अगर गाड़ी में भी कहीं, अगर ऑफिस टाइम में अगर जज साहब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आदेश पाल उनके साथ ही कई बार जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको काफ़ी सारा हेल्प के रूप में ये मदद करते रहते हैं, कोई भी सामान लाना हो, कुछ खरीदना हो या कुछ भी करना हो, तो जब इनके साथ रहते हैं ये जज के साथ, तो ये ऐसा ऐसा काम इनको करना पड़ता है। तो बेसिकली इनका काम है फ्रेंड्स कि कोर्ट स्टार्ट होने से पहले जो वहाँ पे माहौल है, चीज़ें हैं, सही सही से एकत्र करके रखना, और जब कोर्ट समाप्त हो जाए, आपका फैसला आ जाए, या फिर आपका उस दिन का कोर्ट का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित करके फिर से उसको सही जगह पर रखना, यही बेसिकली काम होता है आदेश पाल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बता दिया, और आपको अब बता देते हैं फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या अच्छा पोस्ट है नहीं है, तो मैंने पहले भी बता दिया था फ्रेंड्स कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं कि जब आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। तो अभी जो बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगर संविदा के आधार पे यहाँ पे रखा जाता है आपको, तो 18,000 रुपये मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हाई कोर्ट में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं संविदा के आधार पे ही, तो आपको जल्दी ही वहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा, और परमानेंट कर दिया जाएगा तो क्या सैलरी मिल जाएगी वो आपको अभी दिखा देते हैं, और उनको भी बता देंगे फ्रेंड्स जो अनुसेवक का फॉर्म अप्लाई किए थे, दोनों सेम लेवल का पोस्ट है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है सैलरी में। और ऊपरी कमाई के बारे में तो आपको क्या बताना, आपको ऐसा क्लियर है कि कोर्ट में कोई भी स्टाफ हो फ्रेंड्स, उनका अलग से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हिसाब किताब हो ही जाता है, उनका खर्च निकल ही जाता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि अनुसेवक और आदेश पाल का जो सैलरी है वो सातवें वेतन आयोग के बाद कितना बन जाता है, तो चलिए दिखाते हैं।
बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सैलरी की। तो सैलरी आपको यहाँ बताते हैं कि सातवां वेतन आयोग लागू हो चुका है, उसके अनुसार आपको कितने पैसे मिल जाएंगे वो अभी आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको पद का नाम तो पता है फ्रेंड्स, ऑर्डरली, ऑर्डरली इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आदेशपाल। और ये जो पोस्ट ग्रुप होता है इसको बोलते हैं ग्रुप डी या चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, ठीक है। अभी तो ये हो गया फ्रेंड्स, ओल्ड वाला जो पे स्केल था वो पे स्केल सेम है 52,000 से 52,200 से 20,200, और अभी आपको ये स्टार्टिंग में 18,000 का यहाँ पे जब सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो 18,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका बात करें फ्रेंड्स स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 18,000 रुपये है, अलावेंस आपको 7,000 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको टोटल सैलरी पर मंथ है जो 25,000 रुपये मिल जाएगी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो 25,000 रुपये काफ़ी सम्मानजनक आपको पैसा मिल जाता है, तो अपने मन में ये दुविधा कभी ना रखें कि क्या अच्छा पैसा मिलेगा या ना मिलेगा। आपको जैसा मैंने बता दिया है कि आप लोगों का जो खर्च है वो ऐसे ही निकल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपका किसी प्रकार से यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है तो काफ़ी अच्छा, आपका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा ज़रूर चेंज हो जाएगा अगर आप अभी घर पे बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो। तो अगर कोई आपको इस बारे में बता रहा है कि छोटा पोस्ट है तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि काफ़ी अच्छी नौकरी है फ्रेंड्स। हाईकोर्ट में अगर आप आदेशपाल बन जाते हैं तो काफ़ी आपका सम्मान, आपका पहचान, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में आप लोग क्या तैयारी करें, क्या पढ़ के जाएं, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन होता है बेसिक क्वेश्चंस उसके बारे में वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप लोग क्वेश्चन जरूर अभी नीचे कमेंट कर देंगे कि कब इसका इंटरव्यू होगा, कब एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन कहीं से कोई प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता था कि 5 अगस्त तक आवेदन लिए गए हैं, और जल्दी ही कुछ अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। तो ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा, इंतज़ार करिए फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।